लोग इंडिया को इतना पसंद नहीं करते हैं। कैसे? देखें, अगर जैसे हमारे ताल्लुकात कोरिया के साथ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के कोरिया के साथ, और भी ऐसे ममालिक है जहाँ पर इंडियंस को इतना पसंद नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। वीज़ा फ्री एंट्री है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी। वो कहीं जाते हैं पता लगता है किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, रेड कारपेट, ढोल धमाके, गार्ड ऑफ ऑनर। तो अमेरिका मतलब क्या, अमेरिका चाहेगा तो भारत की इज्जत होगी? भारत आज इंडिपेंडेंट है, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है। अमेरिका हमें कैसे देखता है और भारत को कैसे देखता है? देखिए, अमेरिका जो है वो ऑब्वियसली बात है भारत हमसे मुझे लगता है आगे है, बहुत आगे, इकोनॉमी की तौर पर भी हमसे बहुत आगे है और लिटरेरी रेट में भी आगे है। उनके कोई भी हैं लाइक उनकी जो आवाम है वो हमसे ज़्यादा आगे है हर चीज़ में। और तो हमें, मुझे लगता है अमेरिका हमें नहीं इतना देगा जितना वो इंडिया को आगे रखेगा हमेशा। क्या अमेरिका हमें यूज़ करता है, एज अ गुलाम ट्रीट करता है? मुझे लगता है हाँ ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे, वो उनके नीचे हैं एक तरह के। ऐसे लगता है कि वो उनकी हर बात को मानने को तैयार है। जहाँ तक हमारा पहले पॉलिटिशियन था इमरान खान, तो मुझे लगता था कि वो नहीं आगे झुकता था अमेरिका के आगे। हम ये फ़लस्तीन का आप देख लें, हम कुछ कर नहीं पाए, नॉट अ सिंगल थिंग, बिकॉज हम अमेरिका की तरफ से बाउंडेड थे। तो अब मुझे लगता है कि यही बात है कि हम लोग खड़े नहीं होते हैं। ये नहीं कि हमारे पास हर चीज़ कम है या हमारे पास इतनी पार नहीं है, वो एक अंदर से पार होती है जो हम शो नहीं कर पा रहे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका की बात सुनते हैं या नहीं सुनते? प्राइम मिनिस्टर हमारे, प्राइम मिनिस्टर मोदी किसकी बात, अमेरिका की? हाँ, वो टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो चलाते अपनी अपने मुल्क में टू सम एक्सटेंट। ऐसा है कि वो थोड़ी बहुत सुनते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर चीज़, जैसे हमारे है ना गुलाम बने हुए प्रॉपर कि अमेरिका हर चीज़ है, बस ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। क्या भारत सच में अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर रहा है? मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को बहुत रेस किया हुआ है। लोग इंडिया को इतना पसंद नहीं करते हैं। कैसे? देखें, अगर जैसे हमारे ताल्लुकात कोरिया के साथ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के कोरिया के साथ, और भी ऐसे ममालिक है जहाँ पर इंडियंस को इतना पसंद नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। वीज़ा फ्री एंट्री है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी। वो कहीं जाते हैं पता लगता है किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, रेड कारपेट, ढोल धमाके, गार्ड ऑफ ऑनर। तो अमेरिका मतलब क्या, अमेरिका चाहेगा तो भारत की इज्जत होगी? भारत आज इंडिपेंडेंट है, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है। तो फिर कैसे अमेरिका के कहने पर उनकी इज्जत हो सकती है? देखिए, अमेरिका इज इमर्जिंग पावर नहीं है, वो इमर्ज्ड है, और इंडिया और हम डेवलपिंग है। एक पांचवें नंबर पर है इंडिया, उनके लिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इंडिया जो है वो डी डॉलराइजेशन कर रहा है, डॉलर खत्म करके अपना रुपया पूरी दुनिया पे चलाना चाहता है। ये देखें ना उनकी उनकी सोच देखें और पाकिस्तान की देखें, वी आर मूविंग डॉलर्स टूवर्ड्स आवर कंट्री, कि हर चीज़ डॉलर्स में कन्वर्ट होने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मेजरली मैं सबको वाइंड अप करके नेक्स्ट में ये कहूँगी कि हमारे पॉलिटिशियंस खराब है और वो हमारे कंट्री को रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये नहीं कहूँगी कि एजुकेटेड पीपल कम है या समझदार लोग हमारी दुनिया मतलब पाकिस्तान में कम है। जैसे व्हाइट हाउस में भारत की चर्चा चल रही है, उनका बिल पास हुआ है स्पेशल उनके लिए, वैसे हमें किन लफ्ज़ों में याद किया जाता है? मुझे तो लगता है फिलहाल तो बुरे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। टेररिस्ट होना हमारी तरफ से है, हर चीज़ हो सकता है इंडिया की तरफ से भी हो, लेकिन हमें मेजरली उस सर्कल में रखा जाता है ज़्यादा, कि हाँ ये चीज़ पाकिस्तान की तरफ से होगी, इनका कार्ड, इनकी चेकिंग ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा क्यों है वो, ये मसला क्या है हमारे पॉलिटिशियन, मुझे लगता है ठीक है। अवाम देखें, हर जैसी हुकूमत होगी, जैसे हुक्मरान होगा वैसी अवाम आगे से होगी। अब आप ये देख लें मेजरली, अब दोबारा पेट्रोल के रेट्स क्यों इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज वी नो कि हमने अब नून लीग ने दोबारा रेज होना स्टार्ट हो जाना है। क्या हम कभी भारत की पॉपुलैरिटी को बीट कर पाएंगे? इट डिपेंड्स, अब के हालात और पीछे एक साल के हालात देख कर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वी कैन टच भारत इन कमिंग ईयर्स, मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों, इतना आगे चले गए बहुत भारत। आप देखें, भारत में हर किस्म की इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान में देखें हर किस्म की है, उनकी सेलफोन बनाने की इंडस्ट्रीज है और वो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। हमारे पास क्या है, वी डोंट हैव अ सिंगल थिंग। कि हम लोग अब ये देखें, हम लोग कॉटन को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चावल अच्छे एक्सपोर्ट कर देते हैं सारे, हम लोग अपने आवाम को अच्छा नहीं दे रहे, तो बाहर को क्या कहेंगे हम लोग? आपको पता है हमारा चावल भी अब लोग नहीं ले रहे। हाँ, वो क्यों है, क्योंकि वो पानी गंदा इस्तेमाल करने लगे, हमारी क्वालिटी लो होने लग गई है, तो अब तो इकोनॉमी और हमारी गिरने लग जाएगी ना। मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मुझे तो लगता है कि अब एनवायरमेंट का हाल भी अल्लाह ही खैर कर सकता है। जिसने स्मोक कंट्रोल टावर अभी तक हमने बनाया, चाइना के बाद भारत दूसरा मुल्क है जिसने स्मोक कंट्रोल टावर बनाया था। ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है कि फोक पड़ने लगी तो स्मोक की थोड़ी सी पावर लो ही, लेकिन मुझे तो लगता है लाहौर में तब नजर आना बंद हो जाना था। इन सब हालात के बाद कैसे उभरेंगे हम?
अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, बाकी हालात कोई नहीं है। अच्छी कौम नहीं है, हमके ऊपर से हमारे लिए मुआवजा टपकेगा, हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।